मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 1 मार्च से परीक्षा प्रारंभ हो रही है। बोर्ड परीक्षाओं की गोटेगांव में भी शिक्षा विभाग द्वारा पर्याप्त तैयारियां की जा रही है। हालांकि इस वर्ष गोटेगांव में एक परीक्षा केंद्र को बदल दिया गया है। सीएम राइज उत्कृष्ट विद्यालय के स्थान पर अब रानी अवंतीबाई कन्या हाई स्कूल को परीक्षा सेंटर बनाया गया है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए गोटेगांव ब्लॉक में 16 परीक्षा केंद्र ग्राम बरहटा, सुरवारी, चांदखेड़ा, श्रीनगर, करकबेल, बगासपुर, सर्रा, खमरिया, राखी भेंसा, सिमरिया, उमरिया, इमलिया, खापा, लटगांव एवं गोटेगांव में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गोटेगांव नगर में श्री देव मुरलीधर हायर सेकेंडरी स्कूल एवं रानी अवंतीबाई कन्या हाई स्कूल में परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। गोटेगांव ब्लॉक में बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सबसे खास बात यह है कि किसी भी केंद्र को संवेदनशील या अति संवेदनशील केंद्र की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इस वर्ष गोटेगांव ब्लॉक में बोर्ड परीक्षाओं में कुल 4,896 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें हाई स्कूल 10वीं क्लास में 2,775 नियमित विद्यार्थी एवं हायर सेकेंडरी 12वीं क्लास में 2,121 नियमित परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षाओं को लेकर कमर कस ली है। शिक्षा मंडल द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक नकल रोकने के लिए खास निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही परीक्षा नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं। गोटेगांव ब्लॉक में सभी बोर्ड परीक्षा केंद्रों में केंद्राध्यक्ष के साथ ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए भी इस सप्ताह नाम तय हो जाएंगे। 20 परीक्षार्थियों पर एक पर्यवेक्षक की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके साथ ही हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल के शिक्षकों को पर्यवेक्षक नहीं बनाया जाएगा, बल्कि प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों के टीचरों को ही पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं की गोपनीय सामग्री 24 फरवरी तक गोटेगांव थाना पहुंचेगी। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा मंडल कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा जो 1 मार्च से प्रारंभ हो रही है, पूरे गोटेगांव ब्लॉक में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन 16 परीक्षा केंद्रों में हाई स्कूल के 2,775 विद्यार्थी नियमित विद्यार्थी परीक्षा देंगे एवं हायर सेकेंडरी के सभी संकायों के 2,121 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इस प्रकार पूरे 4,896 विद्यार्थी गोटेगांव ब्लॉक से परीक्षा में बैठेंगे। सर, परीक्षाएं चल रही हैं, हायर सेकेंडरी हाई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, नकल रोकने के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं ली हैं? नकल रोकने के लिए सभी विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार के कोई कागज, चेट या मोबाइल, कैलकुलेटर विद्यालय में परीक्षा के समय परीक्षा कक्ष में ना लाए। इसके लिए पर्यवेक्षकों को भी हिदायत दी जाएगी, पर्यवेक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आपको किस प्रकार से परीक्षाएं संपन्न कराना है। सर, चूंकि बोर्ड परीक्षाएं हैं, विद्यार्थी अनावश्यक तनाव ले लेते हैं, विद्यार्थी परीक्षा से घबरा जाते हैं, विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में कोई तनाव ना लें, इसके लिए कोई मोटिवेशन किया जा रहा है विद्यार्थियों को, या क्या आप मशवरा देना चाहते हैं विद्यार्थियों को? विद्यार्थियों को, मेरे प्रिय विद्यार्थियों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि आपने पूरे वर्ष अध्ययन किया है, पूरे वर्ष अध्ययन किया है, बिल्कुल तनाव ना लें। परीक्षा का पैटर्न भी बदला है इस बार। पूर्व परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते थे वो 25% है, इस वर्ष परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 40% है। बिल्कुल तनाव मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से परीक्षा में बैठें, यही मेरी। गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।